अपनी मर्यादा है पावन ये घर अपना, अपनी मर्यादा है पावन ये घर अपना। इस घर में देखा है हमने क्या क्या सपना, जैसे किरणों का अंबर से ऐसा अपना नाता हम तेरे आसरे, हम तेरे आसरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट अब में दूर करी, ओम जय जगदीश हरे। जय, you're late. Yeah, I know. अपनी मर्यादा है हाय घर अपना, इस घर में देखा है। How are you? What's up? Let's go. Finish your prayers? Yeah. Any major reason for praying at this particular time? Yeah. My mother prays at this time. What? My mother back home prays at this time. It's the only time I get to be with her, you know. Uh-huh. Tu nahi samjhega. What? Wow. 1984 Mercedes V8 380 AC top speed. Oh. 240 kmph. She's beautiful. Is there any other thing you can talk about besides cars? No. Just like music is your life, cars are mine. Okay. Designing cars is just like making music. Mm-hmm. Everything has to come together perfectly. Okay. And then the engine sings. Brian, we're late. Come on. Bye. Catch you later. I want to design the world's fastest road car. At the heart of the engine is going to be a W16 or a supercharged V12. Need to get at least 700 horsepower out of it in order to achieve a top speed of at least 230 miles per hour. The sound of it, it's got to sing like the Skyline or maybe the Modena. I mean, without that sound, it's nothing. I like your spirit, Jay. But before you build the fastest car, you need to know about the first car. The first car was built in the 19th century. भगवान, माँ का ख्याल रखना, जगदीश और ओम भैया की रक्षा करना। साढ़े नौ बजे फैक्ट्री, 10:30 बजे कैसेट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग, 11 बजे रहमान के साथ पायरेसी मीटिंग, 2 बजे नए एल्बम की रिकॉर्डिंग, 3:30 बजे शेखर के साथ बोर्ड। एक मेरा काम भी लिख दे इस लिस्ट में, लड़की ढूंढनी है तेरी शादी के लिए। माँ, हर चीज के लिए एक वक्त होता है, हो जाएगी, होनी तो है और कभी ना कभी हो जाएगी। कभी कभी वक्त को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैंने कल के अखबार में शादी के लिए इश्तेहार दे दिया है, अपना फोन नंबर भी। ओह नो, लगता है पहली घंटी बज गई। लेकिन मेरी घंटी अभी तक बजी नहीं। हेलो, हाँ हाँ जी, मैं सरस्वती देवी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, 3 लड़कियाँ हैं। ओहो, कंप्यूटर कोर्स किया है, फ्लावर डेकोरेशन भी। वाह वाह वाह, गोरी बहुत अच्छे लंबी, अच्छा, लंबी। अच्छा, ओहो, हाँ, जो है बीच पे गुलमोहर विला, क्या मतलब पुराना घर, बड़ा घर है, बहुत बड़ा। अच्छा, आप बाद में फोन कीजिए। तू इस गाड़ी को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? करूँगा माँ, करूँगा, जरूर करूँगा। कब? सही वक्त पर करूँगा माँ। बाय बाय। प्रणाम आशा भाई, प्रणाम आशा भाई। नमस्ते सर। कैसे हो रामप्रसाद? सर, आप रोज मुझसे यही सवाल पूछते हैं, मैं रोज झूठ बोल देता हूँ। झूठ बोलते हो? यही कि मैं अच्छा हूँ। मतलब तुम अच्छे नहीं हो। सर, मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ? सर, मैं यहाँ पर सिंगर बनने के लिए आया हूँ और इस कंपनी में लिफ्टमैन की नौकरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि कब आप मुझे लिफ्ट से निकालकर रिकॉर्डिंग में शिफ्ट कर दें। सर, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ सर। सर प्लीज सुनाओ सर। अभी नहीं सर, जब तक आपका फ्लोर आएगा मेरा गाना खत्म हो जाएगा। सर सुनिए सर।
सर आपको सुना था मैंने फोक था लेकिन इसको रैप बना सकता हूँ, बड़ा इजी है सर। देखिए सर, ठीक है ठीक है, बाद में मिलते हैं। भाई खाना पटाने की कोशिश करूंगा, तुम बात को समझा करो यार। अच्छा बाद में बात करते हैं, ओके। ओम साहब, मुझ गरीब के खिलाफ आपने पुलिस में कंप्लेन कर दी, क्यों? क्योंकि तुम बेईमान आदमी हो। हम इतनी मेहनत से कसर बनाते हैं और तुम चोरी से उन गानों की डुप्लीकेट कसर बनाकर बाजार में बेच देते हो। तो इसमें बुराई क्या है, ये तो रहमान पैरेट का धंधा है ओम साहब। डुप्लीकेट कैसेट बनाने के धंधे में अगर मैं चार पैसे कमा लेता हूँ तो दो पैसे आपको भी मिल सकते हैं, आपकी जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी ओम साहब। दोबारा इस ऑफिस में कदम रखने की कोशिश मत करना। शांति ओम जी, शांति। गेट आउट। मेरी कभी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा, बेईमानों की दुनिया में बहुत ही ईमानदार इंसान हूं मैं। आई सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हो गया फेक। कैसा लगा शेखर? Not bad. You should be glad because KK Mix. Hi Shekhar. Hi. Om. KK Mix ने एक पुराना गाना remix किया। Release करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम भी सुन लो। Okay, Mr. Om Batra. Here is KK Mix live for you. दर्द भरे मेरे नाले ये गाना नहीं चलेगा। शेखर इसे किसी और काम पे लगा दो, ये कह रहा केके का गाना नहीं चलेगा। क्या क्या खराबी है इसमें? खराबी एक नहीं काफी है, ओरिजिनल गाना है, क्लासिक है, और तुमने तो उसका रेप किया है। रेप तो मैंने बहुत सारे गानों का किया है और वो सारे रेप सुपर डुपर हिट है। इससे अच्छा तो हमारा हमारा लिफ्टमैन गा सकता है। तो बुलाओ उस लिफ्टमैन को। He is mad. Totally mad. सर राम प्रसाद। सर राम प्रसाद जी। सर जिसका तुम्हें जिंदगी भर इंतजार था वो मौका तुम्हें आज मिलने जा रहा है। अगर आज तुमने गा लिया तो जिंदगी भर गाते रहोगे। मिक्स भाई। ये बेइज्जती है म्यूजिक की और के मिक्स की। सुपर हिट गाना मिक्स किया है मैंने बिकॉज आई एम द बेस्ट। पछताओगे ओम बत्रा। आज तूने साबित कर दिया ओम कि तुझ जैसा मार्केटिंग जीनियस किसी भी म्यूजिक कंपनी के पास नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और अब हम रामप्रसाद को लेटेस्ट सिंगिंग सेंसेशन आरपी बना देंगे। रामप्रसाद आरपी। और ये सब कुछ माय फ्रेंड पैसे की ताकत से। पैसे की ताकत से नहीं, उसकी काबिलियत की वजह से। आई नो, जानता हूं तेरी ये फिलॉसफी। मेरी फिलॉसफी तो यही है, प्यार की ताकत दौलत की ताकत से ऊंची होती है। ओम, प्यार से दौलत नहीं हासिल की जा सकती लेकिन दौलत से प्यार खरीदा जा सकता है। हाँ, इसलिए मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और तू अकेला। तू मेरे साथ है प्यार की वजह से।
दौलत की वजह से नहीं। पॉइंट टेकन, तुम जीते। थैंक यू। अच्छा जय कैसा है? जय, जय बस अमेरिका से मोटर ट्रेनिंग की डिग्री लेकर आ जाए, वो भी सेटल हो जाएगा। मिस्टर अमानी, चेकबुक लेकर आइए जरा। जी सर। हम बचपन के दोस्त हैं, जय की पढ़ाई के लिए पैसे लेने में कभी हिचकिचाना नहीं, वो मेरा भी भाई है। सर चेक। थैंक यू मिस्टर अमानी। यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ये रहा जय के लिए 10 लाख का चेक, और ये पैसे तो मुझे तब वापस करेगा जब कर पाएगा। कम ऑन। थैंक यू, थैंक यू शेखर। अगर ऊपर मेरे लिए भगवान है तो नीचे नीचे तू है। जगदीश कैसा है? जगदीश अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है शेखर कि यहां पढ़कर भी वो जय से बड़ा आदमी बनेगा। बहुत स्पीड है उसमें, मैं भी उसे नहीं पकड़ सकता, वक्त से तेज दौड़ना चाहता है वो। क्या है नकली क्या है, कल आप लोगों को सब पता लग जाएगा जब प्रिंसिपल खन्ना को मैं आप लोगों की अटेंडेंस शीट दिखाऊंगा। यू वोंट बी एबल टू सिट फॉर द एग्जाम, यू नो। सॉरी, बाय द वे, सॉरी, आप लोगों ने सेमेस्टर के लिए कितने क्लासेस अटेंड किए पता है? वाह वाह वाह, क्या रिकॉर्ड्स है। आप लोग कल सुबह 9 बजे आ जाना खन्ना साहब के चैम्बर में, असली क्या है नकली क्या है सब पता लग जाएगा। सर पंखा। ओ बाय द वे, तुम इन लोगों के साथ क्यों घूमते हो? मत घुमा करो। कोशिश करूंगा सर। गुड बाय। जैक्स, मैं बर्बाद हो गया यार। जैक्स, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। क्यों? तू ही कुछ कर सकता है यार, प्लीज बचा ले। जैक्स, प्लीज जैक्स। यू नो माय डैड यार। नहीं, प्लीज जैक्स। ओके, ओके। कल का कल देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक्स जैक्स। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? क्लास अटेंड करने। ये रहा अटेंडेंस का लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड प्रिंट आउट सर। विकी 89%, अतुल 86%, शानू 90%,
निश्चित 88%। सर हाउ कम? इट्स इम्पॉसिबल। आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर। ये प्रिंट आउट आपने निकाला है या मैंने निकाला है? मैंने सर, बट सर लेट मी सी सर। गो एंड चेक इट अगेन। स्टूडेंट्स गो टू योर क्लासेस। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। बट सर वो जैग्स, तुझे पता है क्या हुआ? जैग्स तुम्हें पता है मैंने 90% क्लासेस किए यार। यार जैग्स थैंक्स। ओ यार ये जैग्स मैन यू डिड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले जाके इंटरनेट वाले को 150 रुपए दे दो। ओके जैग्स। पॉकेट मनी माँ, पॉकेट मनी, आई नीड पॉकेट मनी। अभी 5 दिन पहले तो लिए थे तुमने पैसे। प्रणाम कर। प्रणाम। ये पकड़। ठहर ना। ओके। ये ले 50 रुपए। थैंक्स मॉम। माँ। एक मिनट। ये सिक्का अपने पास रख ले। $1? इस सिक्के का मैं क्या करूँगा माँ? बेटा ये सिक्का तेरे पिताजी का इस मंदिर को पहला चढ़ावा था। वैसे तेरे पास पैसे नहीं रहते, इसे अपने पास रख ले, ये बरकत लाएगा। बरकत का सिक्का? हाँ। थैंक्स मॉम। बाय। लव यू। कमिंग 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 कमिंग। हाय जग्स, कैसे हो? गुड इवनिंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू मी। मॉर्निंग जय। भैया कैसे हैं? माँ कैसी है? माँ मेरी चिट्ठी सुनने के लिए दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई होगी। Absolutely right. अरे अपनी बकबक बंद कर, आगे पढ़। अमेरिका बहुत अच्छा देश है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए इस देश में बहुत सारे मौके मिलते हैं। यहाँ सब कुछ है, पर नहीं है तो माँ का प्यार और घर का खाना। माँ को कहना उसके हाथों से बने हुए खाने का स्वाद 24 घंटे मेरी जुबान पर रहता है। जग्स, जरा देखना तो, माँ की आंखों में आंसू आ गए होंगे और वो उन्हें पोंछ रही होंगी। अगर शाम हो गई होगी तो ओम भैया कपड़े बदल कर आ गए होंगे, उनको मेरा प्रणाम कहना। क्या हुआ माँ? ओम भैया, जय ने प्रणाम कहा है। खुश रहो। एनीवे जग्स, अब आगे नहीं लिख सकता, और लिखूंगा तो रोने लगूंगा। अपना ख्याल रखना और सबको मेरा प्यार देना। जय। बाय। जगदीश, उसे लिखना मैं पैसे जल्दी भेज दूंगा। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग। नो फ्लैश बैक। जय ने और क्या लिखा है? माँ, चिट्ठी खत्म हो गई है। देयर इज नो प्रॉब्लम, ही इज ओके। कुछ भूल रहे हैं आप? ओम भैया, लड़की, शादी। चलिए चलिए चलिए। बेटा एक बात बोलूं? मना मत करना। किस बात के लिए माँ? मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। क्या? भैया मना मत करना। कल शाम को क्लब में मिलेगी, मिलेगा ना? मना मत करना। पीछे ही पड़ जाते हैं। ताड़ा! Guys, gays and girls presenting my main man, Om Bhaiya! Woo! Looking good. Feeling great. Let's go. Jagdish! What are you doing, Jagdish? कितना अच्छा लग रहा है। ला ला ला, हाथ ला, हाथ ला। Red is your color. हाय भगवान, ये क्या कर रही हो माँ? अरे यू लुकिंग गुड ना, चलो गो गो गेट हर कॉन्फिडेंस। जरा बतरा तू लड़की जरूर हाँ कर। यो मेरे शेर। एक्सक्यूज मी, आप शांति से मिलने आए हैं? हाँ हाँ। शी इज देयर, कम ऑन दिस वे। Thank you.
माँ ने इसे चुना है मेरे लिए। हेलो, हाय, आई एम ओम। ओह, आई एम शांति। थैंक गॉड, मैं तो तुम्हारा नाम सुनकर घबराई गई थी। बट यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर नेम। आप भी अपने नाम से बहुत डिफरेंट हैं। आई नो, लगता है भगवान ने हमारी जोड़ी बना के भेजी है। ओह, शांति, लेट्स डांस टू दैट। मी? नो नो नो। कम ऑन, लेट्स डांस। ओके। कहाँ फंस गया मैं? काफी कलरफुल कपड़े पहने आपने। This is so cool. हिंदी पिक्चर का हीरो लग रहा है ना? पलट पलट। मैं तो सूट पहन रहा था। अच्छा? वो मेरे सबसे छोटे भाई ना जगदीश, उसने मुझे कपड़े पहना दिए। वैसे हम तीन भाई हैं। अच्छा? एक और भाई है मेरा जय। वो अमेरिका में मोटर इंजीनियरिंग कर रहा है। How cute! Oh, जय जगदीश जैसा आरती में होता है। हमारी तस्वीर बचपन की है। आपको कभी पहली नजर में प्यार हुआ है? I love my family. Cute. Music off. आज मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है. And his name is Om. क्या कर रही हो शांति? और क्योंकि इनका पेशा है नए-नए लोगों को, नए-नए सिंगर्स को अपनी कंपनी में चांस देना, तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी अपनी दिल की बात गा के कहूंगी. लॉन्च में कहती हूँ, I love you. श्रीदेवी की फैन लगती है, लेकिन कितना भेसुरा गा रही है। I love you. और अब मैं चाहूंगी, कि आप सबके सामने ओम भी मुझसे कहे I love you. ओके 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 ओके। मुसीबत से बचने के लिए बोल ही देता हूं, I love you. Where's the camera? कैसा महसूस हो रहा है? I feel like a बकरा. माँ इससे शादी कराना चाहती है मेरी. Very good job यार. Thank you. वो स्टूडेंट जो कानपुर, बेंगलोर, दिल्ली और बाकी जगह से आए हैं हमारे कॉलेज के कंपटीशन बेस्ट ऑफ बेस्ट जनरेशन नेक्स्ट के ग्रैंड फिनाले में, मैं उनका स्वागत करता हूँ. कंपटीशन के फाइनल में दो टीमें पहुंची हैं, बेंगलोर की गर्ल्स टीम और हमारे कॉलेज की बॉयज टीम. इस कंपटीशन का टॉपिक है जिसमें आपकी जनरेशन बिलीव नहीं करती, शादी. तेरा सनम, तू जो मुझसे कहेगी मैं वो करूंगा तेरी कसम. दिल चाहे ऐसा यार, सारी उम्र कर मुझसे प्यार, बार बार यार बेशुमार. शादी मैं तुझसे करूंगी, अपन के रहूंगी तेरी सनम. तू जो मुझसे कहेगा करूंगी तेरी कसम. दिल चाहे ऐसा यार, सारी उम्र कर मुझसे प्यार, बार बार प्यार बेशुमार. शादी तुझसे करूंगा, बन के रहूंगा तेरा सनम.
जाने मन जाने जा मेहरबान। शादी तुझसे कराऊंगी बन के रहूंगी तेरी सनम। शादी तुझसे करूंगा बन के रहूंगा तेरा सनम। जानते हैं कि पूजा कहाँ है? बैंगलोर से? वो शायद उस बस में है। दैट बस? अरे थैंक्स। वेट 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 एक मिनट। ओह कम ऑन। हे चोरी 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 चोरी। सॉरी मेरी बस मिस हो गई। Don't worry. बैंगलोर पहुंचने से पहले तुम बस में होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों रुक गई। सिंपल, यू लाइक मी। मैं तुम्हें अच्छा लगा। हाँ पता है, गाने में तुम्हारी लाइन सुन ली। मरती है मुझ पर सभी हर कॉलेज की लड़कियां। हर कॉलेज फेस्टिवल में कम से कम 15 प्रेम कहानियां शुरू होती हैं। 15? हाँ, और फेस्टिवल के एंड में खत्म हो जाती हैं। जरूरी नहीं। मैं नहीं बता सकती। प्लीज। अच्छा, मैंने विश किया कि कुछ प्रेम कहानियां फेस्टिवल के एंड में खत्म ना हो। थैंक यू। बैंगलोर जाना है। अरे यार कितनी तेज चलाओगे? ठहरो, देखा मैंने कहा था ना, बस के बैंगलोर पहुंचने से पहले तुम उसमें होगी। Here we go. Have a Take safe care, trip. Jatish. Take care. Thanks a lot. Bye, Pooja. Bye. Bye. Bye, Pooja. Pooja? अरे घर में तो पूजा है। Om Dadnaye Namaha. Om Neelanilaye Namaha. Om Parameshthana Namaha.
ओम वक्रोरदाये नमः ओम आई एम तानिया चोपड़ा प्लेजर मीटिंग यू वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर्स इन बॉम्बे ओके ओके आई मीन मुंबई दीस डेज बहुत खूबसूरत जगह है ये थैंक यू जस्ट इमेजिन अगर इस जगह पर एक मल्टी स्टोरी टावर हो और उसकी हर मंजिल पर एक खूबसूरत फ्लैट और हर फ्लैट के सामने एक सी फेसिंग बालकनी कोई भी इंसान यहाँ से गुजरे बस उसके मन में एक ही ख्वाब हो इस टावर में रहने का How does it sound? Sounds good. लेकिन मुझे लगता है आप किसी दूसरे का ख्वाब तोड़कर अपना ख्वाब सजाना चाहती हैं। मैं किसका ख्वाब तोड़ रही हूँ? मेरे स्वर्गीय पिताजी का। तानिया जी मेरे पिताजी को गुजरे हुए 20 साल हो गए हैं। लेकिन 20 सेकंड के लिए भी हमें महसूस नहीं होता कि वो हमारे साथ नहीं ये घर घर नहीं हमारा मंदिर है जिसे इस घर का कोई भी शख्स एक सेकंड के लिए नहीं बोलता आई अंडरस्टैंड पर शायद आपको किसी ने भूलने का मौका ही ना दिया चलिए आज मैं आपको भूलने का मौका देती हूँ शेख प्लीज इसके ऊपर एक लिखा हुआ है जीरोस आप खुद भर लीजिए अपनी मर्जी से और फिर देखिए आप सब कुछ कैसे भूल जाते हैं ओके आप मजाक कर रहे हैं आपको लिखना नहीं आता लिखना तो आता लेकिन लिखना नहीं आता मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत दिन और गलत वक्त पर आ गई हूँ जी नहीं आप किसी भी दिन किसी भी वक्त आइए मेरा जवाब बदलेगा नहीं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा शहर में एक इंसान तो है जो किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता हाँ तभी अगर आप ये घर बेचना चाहें तो गारंटी आ चुकी बेटा तुम अखबार में इश्तेहार पढ़कर आई हो माँ जो तुम समझ रही वो नहीं है फिर कुछ नहीं मैंने बाहर छोड़ कर आता प्लीज कम नमस्ते जश्वी ओम बताना लड़की कैसी लगी छोड़ो ना माँ गुड मॉर्निंग माय फैमिली गुड मॉर्निंग हाउ आर यू मॉर्निंग कुछ ही दिन रह गए तेरे एग्जाम्स के लिए मैं देख रहा हूँ तू रात रात जागा रहता है तू पढ़ाई करा या कंप्यूटर पर बैठा रहता रिजल्ट्स तो लेके आता हूँ पढ़ाई में स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट में आई मीन आई एम द आइडियल ऑलराउंड स्टूडेंट मेरे प्रिंसिपल से पूछिए व्हाट आई मीन टू द कॉलेज या भैया उधार में कुछ पैसे चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेना है उधार यस उधार डोंट वरी कमा के वापस दे दूंगा कमा के वापस दे देगा या पहले कुछ साबित तो करके बता साबित अरे जय भाई ने क्या साबित किया उन्हें तो रेगुलरली लाखों रुपए भेजते रहते पढ़ाई के लिए ये बहुत चालाक है जय का नाम लेकर ये तुमसे पैसे खींचने की कोशिश कर रहा है डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू जय जय अपनी दिशा जानता है ही इज फोकस्ड ही इज एंबिशियस तू क्या करना चाहता अपनी लाइफ हां मैं क्या करना चाहता हूं हां आपको हराना चाहता हूं वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा जब तू मुझे हराएगा Oh God, भैया, don't get so senti. I was just joking. आपको कौन हरा सकता है? You're Superman. अरे छोड़ भैया पैसे. ओ ना यार, जल्दी निकलो. ये क्या हो रहा है? क्या हो? फिर देखते हैं. रुके. अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये तो वही लड़की जिसने ओम भैया को बकरा बनाया था. अभी देखो कैसे मजा आ चुका. आगे आगे लंबा है. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे शादी के मंडप में दहेज मांगने की. अरे ऐसा अरे भाई साहब आप कौन है? क्या हुआ बहन जी? मैं शादी के मंडप से भाग के आई हूँ भाई साहब क्योंकि मेरे होने वाले पति के लाचे बाप ने इन मौके पर मेरे पिताजी से अरे 10 लाख रुपए कैश अरे 10 नहीं मैं तो भाई साहब आज नहीं मांग रहा था 10 लाख के 4 लाख है 4 लाख दे दो चुप रहा अरे चुप मत देखो आप का मामला है आप मत रोइए मेरे साथ आइए अरे मेरे साथ आइए ना अरे डोंट वरी मैं हूं ना अरे मैं बचाऊंगा आपको अरे कोई कोई आइए आइए छोड़ ऐसे छूटे बैठिए बैठिए अरे बैठाओ भाई अरे मेरा टीवी का प्रोग्राम चल रहा है आप एमटीवी नहीं देखते क्या आप मेहरबानी करके प्लीज मुझे नहीं उतार दीजिए आओ आओ अरे ये तो मुझे कहां ले आए ये व्हाट डू यू वांट व्हाट डू यू वांट मुझे पुरानी हवेली भी क्यों लेके आए पुरानी हवेली चलो चलो मैंने तुमको कहा नहीं टीवी प्रोग्राम है दिस इज ऑल नकली आई एम नकली मगर मैं असली हूँ मेरी माँ असली है और मेरा भाई असली है दिस इज नॉट ओम ने शादी कर ली अरे माँ रॉन्ग ट्रैक क्या हो रहा है
Oh my God! I don't believe it. This is a madhouse. मैंने साइरस को कहा था कि मुझे कौन साइरस? किसका साइरस? Who's साइरस? Wait one minute. मैं एक मिनट उतारी थी. अरे अरे ये सब क्या है? क्या हुआ माँ? ये मुझे पहचानते हैं. भाभी को ले गया. भाभी? कैसी लगी बहू माँ? बहू? या बहू? मगर बेटा घर से भाग के क्यों शादी की? तेरे घर वाले राजी नहीं थे क्या? नहीं माँ. ओम भैया राजी नहीं थे. जगदीश ये, जगदीश ये क्या हो रहा? जगदीश यू डोंट लाइक हर? लाइक हर ना? ये सब लोग कौन है? क्या पागलपन है? यू आर वाचिंग एमटीवी बकरा. यू आर द बकरा. बकरा एंड दिस आयशा माय न्यू भाभी टू बी. शी इज गोना बी माय भाभी. ओहो बकरा. दिस इज माय ब्रदर. ओम आई लव यू वेरी मच. दिस इज माय मॉम. स्टॉप इट जगदीश. बकरा. ओम भैया. अरे अरे जल्दी भाभी आई हैं. Why are you getting excited? अरे भाभी आई हैं. किसकी भाभी? आयशा भाभी. आयशा बैठिए. थैंक यू. आपकी एक ही लड़की है? हाँ जी. अच्छा अच्छा. हाय. हाय. खूबसूरत है. क्या? ये पेड़. ये पेड़ करीब 100 साल पुराना है. ये घर भी काफी खूबसूरत है. ये घर भी लगभग 100 साल पुराना है. ओह गॉड, मेरा भाई भी 100 साल पुराना है. एक बात पूछूं? हाँ. डायरेक्ट दिल से. Do you believe in love? Do you believe in love at first sight? हाँ? प्यार कोई आपके टीवी का शो नहीं जिसे मजाक मजाक में खेल लिया जाए. प्यार तो जिंदगी है, एक एहसास है. जिस मन को छू जाता है उस मन में बस जाता है हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए. सॉरी मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? आप हर बात इतनी सादगी से कैसे कह देते हैं? आपकी ये सादगी मुझे उस दिन भी अच्छी लगी जब आपने अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी बचपन की तस्वीर दिखाई थी ना. वही सादगी आज भी देख रही हूं. That's because I believe in love. एक बात और पूछूं? हाँ. आप अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज? लव मैरिज. यस. सॉरी सॉरी सॉरी. थैंक यू गॉड. यस यस. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एक दिन यूं हुआ वो नजर आ गई, धड़कनों पे मेरे इस कदर छा गई. देर तक वो मुझे देखती रह गई. मैंने कुछ ना कहा वो तो सब कह गई. मैं उठा चल पड़ा थोड़ा आगे बढ़ा. मुड़ के देखा तो वो सामने थी खड़ी. मैं हंसा वो हंसी. मैं चला वो चली. तेज सांसें हुई थम गई वो खड़ी. Yeah.
से मियो कुरासन आवो से You're beautiful. Well, this is my boyfriend, Jay. And this is Neetu. Her boyfriend. 3 महीने, 28 दिन और 8 घंटे पहले प्यार हुआ था. Hey! Come on, let's go. तुम पागल हो. You know, you've just gone mad. कमाल करते हो. और ये तुम इसे हर जगह क्यों बुला लेते हो? हमें अकेला छोड़ता ही नहीं है. खेला? What does Kela mean? Kela means banana. Banana. Oh my God. Hello. Hi, baby. How yes, was your mom. Coming home? 8 बजे तक आ जाऊंगी, mom. Jay है? हाँ, Jay के साथ. Brian भी साथ है. Any problem? No problem. Just love you. Okay. I love you too. Bye. तुम अपनी माँ से ऐसे क्यों बात करती हो? कैसे? मतलब उखड़ी उखड़ी सी. Because she irritates me. पता है? कभी-कभी ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. उनके साथ दिन रात रहती हो ना, तो शायद इसलिए. बेबी, घर से दूर रहो तो एहसास होता है माँ क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं. आई मिस देम ऑल सो मच. वैसे बंदर हर वक्त तुम्हारे आसपास ही क्यों मंडराता रहता है, खासतौर पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ. You look upset. हाँ हूँ, और तेरी वजह से. Who, me? No, not at all. You must be kidding. अच्छा याद है ना, आज मेरी मम्मी पापा को मिलने जाना है. Yes. पहले ब्रायन को इसके ग्रैंडफादर के यहाँ छोड़ना है. Yes. ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. Is that okay? अब हंसकर okay को. Yeah. Okay. Anything for you, my love. नीतू. Careful. ये गिर जाएगा बेचारा. Watch out. Yeah, come along. Come on. Hi, Grandpa. Hi. Good. Good. This is my friend, Jay. Uh-huh. Mm-hmm. Hello. You must be from India. How did you know that? He touched my feet. Anyway, I have to get going. Neetu's waiting. Okay. You all right? Yes, thanks. Jay, I hope you're nervous. But then don't worry. Bas mummy ki tareef karte rehna. You'll do just fine. Hi. Hi, Tom. Ma'am is there. Achha, suno. Tum aage chalo, main abhi aati hu. Jaldi aana. Yoo-hoo! Hello there! Hi. Hi, I'm Rita. And you must be... Giri bas aata hi hoga. Come on, let me show you around till then. You know, ये घर हमने 10 साल पहले बनवाया था. जी. शहर के बाहर, out in the country, smelling It's very cool, beautiful. Fresh air. Cool water, right? Right. I guess it. You know, हम लोग सिर्फ 20 मिनट बाहर हैं, out of the city. Just 20 minutes. Oh. अब गिरी को तो शोर शराबा पसंद है. That was lovely. लेकिन you know, this is the life for me. Swimming, jogging, cycling, cooking. अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सा खाना पसंद है? Chinese, Italian, Lebanese, continental? Hindustani. What? Yeah. Oh my God, no. क्यों? तुम तो बिल्कुल गिरी की तरह निकले. ये गिरी कौन है? Hi, I'm Giri. Oh. My husband. Giri Saxena. नीतू का पापा. हाय, जय बत्रा. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू. ये आपकी मम्मी है? वेल, मैंने तो सोचा ये आपकी बड़ी बहन होगी. ओह कम ऑन नाउ, यू नो गिरी 25 सालों में नहीं बदला. स्टिल द सेम स्मॉल टाउन बॉय फ्रॉम मुरादाबाद. यू नो, सेम ड्रेस सेंस, सेम मेंटालिटी एंड सेम वाइफ. ओह शट अप गिरी. सॉरी, ये तो मेरी स्टुपिडिटी थी कि मैंने तुम्हारे सिंपलिसिटी को तुम्हारा सेक्स अपील समझा. Come on, have some. Thank you. क्या नाम है तीनों भाइयों के? ओम जय जगदीश. But why ओम जय जगदीश? मेरे पिताजी चाहते थे कि हम तीनों भाइयों के नाम एक ही सांस में लिए जा सकें, इसलिए ओम जय जगदीश. पापा, जय फास्टेस्ट कार बनाना चाहता है,
दुनिया की सबसे फास्ट। वाओ हाउ स्वीट। और ये फास्टेस्ट कार तुम कहाँ चलाने वाले हो? हिंदुस्तान की सड़कों पे? मामा जब कार डिजाइन होगी ना तब सोचेंगे। अच्छा जुहू में जो तुम्हारा ये फ्लैट है क्या वो समुन्दर पे है? I mean, is it sea facing? जी फ्लैट नहीं बंगला है। Yes, it's sea facing. कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कई बार लोगों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा दिल बड़ा है या हमारा बंगला। Congratulations to the students of Automotive Engineering. The student of the year award goes to Jai Batra for topping the university and excellence in workshop projects. Eya zaga bagadum beya, eya zaga bagadum be, eya zaga bagadum beya, eya zaga bagadum. एक दिन यूं हुआ वो कहीं मिल गई, देखते ही मुझे फूल सी खिल गई। क्या हसी था समा, क्या अजब बात थी, सावली धूप में हल्की बरसात थी। मैं जरा रुक गया चच की आड़ में, वो भी जाके छुपी एक घने झाड़ में। फिर कड़कने लगी बिजलियां जोर से, पास में आ गई डर के वो शोर से। Jai Batra. Hi. Good morning. I'm Smith from Toyota Miles. It's a pleasure to offer you a job in our company. Here's the card. Yeah. Come and see us in the office. It'll be nice if you work with us, right? Bye. Thank you. Thank you. Great. नौकरी मिलने का मतलब मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया. Yes. Can't believe this. आज मैं बहुत खुश हूँ. Whoa. ओम भैया, जय की तस्वीर यहाँ आएगी और हमें इस कैमरे में देख के बात करनी है. Okay. हाय ओम भैया। जय कैसे हो? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? ठीक हूं जय। तुम्हारे रिजल्ट्स का क्या हुआ? आ गया। हाय जग्स, हाउ आर यू? फैंटास्टिक। हाय भाभी। हाय जय। यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अपने रिजल्ट्स के बारे में बताओ। रिजल्ट्स वही रहा जो आप सबको और मुझे लगता था। पूरे कॉलेज में टॉप किया मैंने। एक्सेलेंट। wow. इतनी बड़ी बात और तू इस तरह सुना रहा है? हाँ ये तो खुशी की बात है। Why you underplaying? Congratulations, Jay. जय आज मैं इतना खुश हूँ कि जी चाह रहा तुझे गले लगा लूँ। अब तू जल्दी से हिंदुस्तान आ जा। भैया एक और खुशखबरी है। बोल। एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की है, वहीं जहां मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था। भैया मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं चाहता। इसलिए आना थोड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे इतनी बड़ी ऑफर मिली है। लोग यहां से डिग्री लेकर वहां जाते हैं और उस देश की सेवा करते हैं। मैं चाहता हूं तू वहां से डिग्री लेकर यहां आए
और अपने देश की सेवा करें। बाबूजी कहते थे कि जिससे देश छूटा उसे सब कुछ छूटा जाए, हम सबको साथ रहना चाहिए। और मुझे इस वक्त तेरी बहुत जरूरत है जय। जय की ईमेल आई है। जय माँ, जय ने कॉलेज में टॉप किया है। मुबारक हो बेटा, जीते रहो। बस जय, अब तू वापस घर आ जा। 5 साल से मैं तुझे सिर्फ तस्वीर में ही बड़ा होते देख रही हूँ। अब तस्वीर नहीं, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। ओम, ये बंद क्यों हो गया? माँ, कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है। मेरी माँ कहती थी कहानी के अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो समझो कहानी खत्म नहीं हुई। मैं आ गया माँ। मौसम हो सारा जीवन अंतर मन से प्रेम कभी ना कम हो, एक दूजे का बल बन जाए, एक दूजे का बल बन जाए, वक्त पड़े तो प्राण लुटाए, सुख दुख साथ है सहना, हम रही ना परे, हम तेरे आसरे हो, हम तेरे आसरे। अपनी मर्यादा है पावन ये घर अपना, इस घर में देखा है हमने क्या क्या सपना, सा
And Om will have a large coffee. Coffee. Okay. Yeah. Excuse me. Yes, sir. 3 large white rum. Pepsi ke saath. Okay, sir. Whoa, Jay. Om bhaiya ke samne. Tu chup rahe. Mujhe Om bhaiya se Neetu ke baare mein baat karni hai. Aur vaise bhi hum 3 bhai itne saalon baad mil rahe hain. Let's drink. Let's have some fun. Right. That's the spirit. Let's go. Let's go. Om bhaiya. Huh? Why? Excuse me, yes, excuse me, please come here. It's okay, okay. भैया एक नया ड्रिंक आया है, मैंने ऑर्डर किया है। हाँ 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 भैया, ट्राई तो करिए। लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं। हमारे लिए ट्राई कीजिए ना। हाँ जी भैया, प्लीज, 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 ट्राई करिए। ओके, हे दैट्स द स्पिरिट। चीयर्स भैया। चीयर्स भैया। कोल्ड ड्रिंक के लिए चीयर्स। नया ड्रिंक है ना। चीयर्स। ड्रिंक है ये भैया ये रमाडी रमाडी हाँ जी रमाडी यू ड्रिंक करी अच्छा है ना इट्स नाइस इट्स वेरी गुड रमाडी ये ड्रिंक काफी पॉपुलर हो खूबसूरत है ना भैया बहुत खूबसूरत है ये रियली जगदीश देख तो सही बहुत खूबसूरत है क्या देख रहा है जग बहुत खूबसूरत है आयशा से बहुत बनेगी इसकी माँ से बात करूंगा मैं थैंक यू भैया थैंक यू चीयर्स भैया चीयर्स तू नहीं तो क्यों नहीं तू चीयर्स चीयर्स एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन आज मैं आप सबको अपने छोटे भाइयों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं ये जय हाय हाय और वो जगदीश मैंने इनसे कॉफी मांगी लेकिन इन्होंने मुझे रमाडी बोल के रम पिला दी बट आई स्टिल लव देम आज के जमाने में इतने प्यार करने वाले भाई कहां मिलते हैं दोस्तों मेरे दो भाई मेरे दो हाथ हैं यस चलो निकलो भैया अब एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए गाड़ी तो यही रहेगी जय जगदीश जगदीश अरे पहले मैं ये छोटे को संभाल इसको बहुत चढ़ गई है मैं पहले निकल गया चलो अरे बड़े भाई पहले जगदीश तू दरवाजा अरे माँ हाँ माँ माँ कंग्रेचुलेशंस सॉरी माँ सॉरी माँ सॉरी माँ क्या हुआ माँ आज हम बहुत खुश हैं और खुशी की बात यह माँ कि जैनल तेरी भी बहू भी ढूंढ ली है माँ हाँ रियली मैंने ओके भी कर दिया माँ कंग्रेचुलेशंस माँ आई लव यू लेकिन वो है कौन परदेश की है लेकिन माँ है अपनी देश की हाँ करो ना माँ हाँ कर दो ना माँ हाँ कर दो हाँ करो ना माँ एक मिनट हैप्पी डेज हाँ हैप्पी डेज
happy days. सजी है हाथों में, हाथों में, हाथों में, फिर से बजी शहनाई है। चूड़ी सजी है हाथों में, हाथों में, हाथों में, फिर से बजी शहनाई है। मेहंदी रची है पैरों में, पैरों में, पैरों में, देखो खुशी घर आई है। Happy 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 days are here again. Happy 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 days are here again. Happy 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 days are here again. Happy 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 days are here again. महबूबा महबूबा कल तक तेरी थी महबूबा बन गई देखो आज मेरी भाभी। कोई ना कोई तो मिल जाए कहीं रब सबकी बनाता है जोड़िया। कहीं ना कहीं तो यार कभी ना कभी मिट जाए दिलों की दूरिया। आई देखो आई मेरे घर की लक्ष्मी घर को स्वर्ग बनाने। मेरे सपनों का मेरी खुशियों का झिल मिल संसार बसाने। Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. ये दुआ ये है माँ की दुआ ना कभी अब साथ ये छूटे। ना लगे इस घर को नजर हमसे ना अब कभी रब रूठे। हमको कसम है ये हमको कसम तेरी ममता पे सब कुछ वार दे। देख के हमको ये दुनिया जले एक दूजे को इतना प्यार दे। कुछ बोले अब कोई कुछ बोले हम मानेंगे तेरा कहना। वादा किया ये वादा किया हमें
days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. हाँ जय, सबसे मिलो मिलो. एक्सक्यूज मी मिसेस अक्सेना, एक मिनट, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. या शो वन मिनट. यस, माँ कह रही थी कि ये बड़ी गाड़ी आपने मंगवाई है. हाँ, वो क्या है कि हमारे कुछ गेस्ट अमेरिका से आए, कुछ दिल्ली से भी आए. अब उनके सामने अगर नीतू इस गाड़ी में जाएगी तो इट्स रियली गोना बी वेरी एम्बैरेसिंग. लुक, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स नथिंग पर्सनल. मैं आपकी बात मान लेता, मगर मिसेस सक्सेना, इस गाड़ी के साथ हमारे घर की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरे पिताजी की, मेरी माँ की. यह गाड़ी हमारे लिए बहुत शुभ है. आयशा को भी मैं ऐसी गाड़ी में लाया था. लुक, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट रियली, बट आई डू. लेकिन इस छोटी सी बात से नीतू का दिल टूट जाएगा. नीतू समझदार लड़की, समझ जाएगी. जगदीश, क्या हुआ? जी भैया, से कहो शर्मा अंकल के साथ घर चली जाए और पूजा की तैयारी करे. शर्मा अंकल, शर्मा अंकल. हां बेटा. आप जी नीतू को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ. उस गाड़ी, कम ऑन. ठीक है, आयशा. बाय आंटी. बाय डार्लिंग. मामा, बाय ब्रदर. अब तेरी बारी है. तो चली गई ना मेरे पास. ओह गॉड, आई होप नॉट. या शी इज गॉन. लेट्स गो. भाभी, आपका ड्राइवर, जो ड्राइवर, हाउ इज इट? हाय सेक्सी. नमस्ते. आइए चलिए. कम ऑन, सेट सेट सेट. जग्स, संभाल के चला. कोशिश करूंगा. जल्दी चलो, जल्दी करो. Come on, move. चलो चलो चलो, बत्रा family on the move. Let's go. Everyone ready? बच के रहना. Bye. Here we go. या, अरे बंद हो गई. चलिए देखते हैं. जगदीश जरा देख तो क्या हुआ. पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. कचरा तो नहीं फंस गया? आइए आइए, अमेरिका में 5 साल का कोर्स करने का असली टेस्ट शुरू. जाइए. वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट. नीतू, तुम अंदर बैठी रहो, अच्छा नहीं लगता? और क्या ये अच्छा लगता है कि शादी वाले दिन बीच सड़क पर पुरानी गाड़ी का इंजन ठीक करते हुए खड़े रहे? मेरी माँ ने दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया था ना. चलो चलो, इट्स ओके. नो, इट्स नॉट ओके जय, एंड यू नो इट. चलो आयशा, चलो बैठो. भाभी, जय जैक. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाय अर्णव. गुड मॉर्निंग जय. गुड मॉर्निंग भैया. मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो हमेशा जल्दी उठता हूँ. भैया, जल्दी तब उठते हैं जब जल्दी सोते हैं, और इनके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि वो देर से क्या सारी रात ही नहीं सोए हैं. शट अप जग्स. तो फिर कौन सी कंपनी ज्वाइन करने की सोची है? भाई, ऑफर तो तीनों ही सही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं. देखो, तुम वो कंपनी ज्वाइन करना जिससे तुम्हें लगे तुम मैक्सिमम तरक्की कर सको. अरे, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी बनाओगे. जय भैया, अभी कर देना बस. इनफ. ये सब क्या है बेटा? कुछ नहीं आंटी, ये सब मेरा सामान है. मिनरल वाटर का स्टॉक, जूसेस, माय एक्सरसाइज किट वगैरह मम्मा ने भेजा है. मम्मी से मंगवाने की क्या जरूरत थी, हमें बोल देते, हम मंगवा देते. वेल, आई गेस इसे कहते हैं माँ का प्यार, यू नो. जैसे जय जब अमेरिका में था तो कोई भी वहाँ आता था तो आंटी उसके साथ वो क्या, वो बेसन के लड्डू, आम का अचार, यू नो. वैसे मेरी माँ ने ये भेजा है. आई होप यू डोंट माइंड. बॉयज, कम ऑन दिस वे प्लीज, यहाँ इस रूम में. जय बेबी, डू माइंड हेल्पिंग देम प्लीज. धीरे से रखना सब. राइट हैंड साइड में सब जूस के डब्बे. यस बेबी. कम ऑन भाभी,
इस घर का लाइफस्टाइल बदल रहा है। Come on. Your flight was on time. How was your journey? Yeah, it was okay. Apple छोड़ो पहले खाना खाना। अभी देखो नीतू आंटी आ गई। Sorry, sorry, sorry. Dress change करना पड़ा बीच पर खराब हो गया था। भाभी, मम्मी ने आप सबको रिगार्ड दिए। Thank you. Oops. So much oil. और खाना बहुत स्पाइसी भी लग रहा है। इतना स्पाइसी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। भाभी, सुना है अमेरिका में आपके डैड का ढाबा है। ढाबा? जग्स वो ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट है। और वो उनका बिजनेस है। ओह, but I don't think he'll know. तुमको पता नहीं होगा, क्योंकि तुम तो इस देश से क्या, इस शहर से भी बाहर कभी नहीं गए होंगे, है ना जगदीश? सैलेड पास करना। नीतू, मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है। Why don't you try that? How sweet! Thank you so much. You can try this. Jay, baby, I hope this is mineral water. अभी वो सब्जी दीजिए। पी लो बेटा, कुछ नहीं होगा। हम सब यही पानी पीते हैं। माँ, लगता है भाभी को यहाँ का पानी रास नहीं आ रहा है। अमेरिका की पानी की याद आ रही है। Quiet, जगदीश। अरे भाई, इंसान जहाँ पला बड़ा होता है, वहाँ की चीजों की आदत पड़ जाती है, और आदत धीरे-धीरे ही बदली जाती है। आदत अगर खराब हो तो बदली जाती है, अच्छी आदतों को तो बदलने की जरूरत ही नहीं होती। ओम भैया, व्हाट इज आदत? आदत के दो मतलब होते हैं, एक हिंदुस्तान में, एक अमेरिका में। अमेरिका में बड़ों के बीच जब बच्चे बात करते हैं तो उसे फ्रीडम कहते हैं। फ्रीडम कोई बुरी चीज तो नहीं है? नहीं, फ्रीडम तो यहाँ भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन फ्रीडम और शिष्टाचार में फर्क है। What, आचार? आचार नहीं, शिष्टाचार हिंदी है, इसका मतलब है मैनर्स। मैनर्स? मैनर्स? I don't believe this. What manners? तुमसे मैनर्स सीखने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर यहाँ इंडिया में। मैनर्स? कोई बात नहीं, यहाँ मैनर्स के अलावा बहुत सी चीजें हैं जो आप सीख सकती हैं। शुरुआत तो कीजिए। जगदीश, बहुत हो गया। Can we eat now? Sure, मैंने कब मना किया? Well, thanks for a wonderful, wonderful lunch. नीतू, नीतू, क्या यार जगदीश, तू भी ना। हालात बदल रहे हैं दोस्तों। नीतू, आई एम सॉरी, जगदीश मजाक कर रहा था। आई मीन ही वाज जोकिंग। जय, मुझे नहीं आती ये सब फैमिली पॉलिटिक्स। मेरे जो दिल में होता है ना, मैं बोल देती हूँ। यू नो इट, मुझसे नहीं होगी, टिपिकल इंडियन बहू की एक्टिंग। लेकिन मैं टिपिकल इंडियन हस्बैंड की तरह कह सकता हूँ, आई लव यू। दीज आर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो ये बट नेचुरल है कि वो तुमसे भी बहुत प्यार करते होंगे। चलो, इस संडे हम सब पिकनिक पे जाएंगे, ओके? ए, किस में? व्हाट? किस में? जे, यू सो बैड। से कब होता है, जब होना हो तब होता है,
जा, मतलब होता है प्यार का, क्या मतलब होता है प्यार का, मतलब रब होता है प्यार का, मतलब रब होता है प्यार किसी से कब होता है, जब होना हो तब होता है प्यार का, क्या मतलब होता है प्यार का, मतलब रब होता है प्यार का, मतलब रब होता है तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन खुशबू बन के ये सांसों में घुल जाता है, दिल की बेचैनियों की जरूरत है ये, कोई महसूस करके तो देखे इसे, खूबसूरत से भी खूबसूरत है ये, खुशबू बन के ये सांसों में घुल जाता है, दिल की बेचैनियों की जरूरत है ये, इसकी धड़कन अनजानी सी, इसका दर्द अजब होता है प्यार का, क्या मतलब होता है प्यार का, मतलब रब होता है सच है ये, सबसे होती है एक बार ऐसी खता, ना सुबह का पता ना खबर शाम की, इसकी चाहत में है बस नशा ही नशा, कोई माने ना माने मगर सच है ये, सबसे होती है एक बार ऐसी खता, की प्यास पता चलती है जब होठों पे लब होता है प्यार का, क्या मतलब होता है प्यार का, मतलब रब होता का, मतलब रब होता है प्यार का, मतलब रब होता है watching Jax TV and I'm Jagdish Batra, your VJ for the evening. Yay! Yes, thank you. Thank you very much. Aaj hum pesh karne ja rahe hain hamara weekly program Nakal Ji Banda. Isme main kisi ek ki nakal karunga aur aapko batana hai ki wo kaun hai. Sahi jawab dene wale ko mere sath world famous Billu de Dhabe mein gana gaane ka mauka milega. Yay! First character. माँ कितनी बार कहा है कि जाते वक्त पैसा मत मांगा करो।
Oh, Maya! Right, Bobby! Dinner with me tonight. Yes. Love you. Okay, number two. क्या? खत्म हो गए? अरे कल ही तो पैसे दिए थे, आज कैसे खत्म हो गए? Mom! 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 Yeah! Right. Okay, number three. ये बेड कितना पुराना है? और ये घर कितना पुराना है? नहीं 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 नही
want to make the world's fastest car. Yeah! Now, for the grand finale, one moment. Hello, Mama. Yeah, Mama. The only thing good about this house is its view. Aur yahan ka khana poochho hi mat. The urchins are terrible, Mama. Good de rehte hain. Aur yahan ka khana itna oil. My God. It's so mirchi dar. It's not like the mineral water of America, Mama. Yeah, Ma. No, I want to, but... You know what? I think this is disgusting. मेरी मामा से हुई सारी पर्सनल बातें तुमने इस तरह सबके सामने जगदीश तुमने गलत किया है। I was just joking. Shut up, तुमने गलत किया है। Good morning, sir. Morning. Om, Jay ne kahin join kiya? Nahin, abhi nahin. Main isliye puch raha hoon kyunki tumne uski padhai ke liye mujhse 1.25 crore ka loan liya hai. Job interest ke saath 2.25 crore ho chuka hai. Aur maine tumse sirf bank rate charge kiya hai. Main janta hoon, Shekhar. Jaise Jay ko naukri mil jayegi, sabse pehle main tumhara paisa chukaunga. Relax, sir. तू गैर नहीं मेरा दोस्त है, टेंशन क्यों ले रहा तू? एनीवे, मारुति का चेयरमैन मेरा अच्छा दोस्त है, तू कहे तो मैं जय की नौकरी की बात करूं उससे? जय के पास जॉब्स के कई ऑफर्स हैं, उसे तो बस सेलेक्ट करना है, मैं आज ही उससे बात करता हूं। देख यार, तू ये अपने लिए थोड़ी ना कर रहा है, तू तो ब्रिलियंट है, यू आर अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। हम लोगों को कुछ नहीं आता है। अगर तू चाहे तो कंप्यूटर की मदद से यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी निकाल सकता है और धार्मिक ग्रंथों में भी तो लिखा है दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, रात को घर पे आ जा। ओके, हम लोग यूनिवर्सिटी की मेन फिल्म तक पहुंच चुके हैं। कौन से फिल्म तक? अबे यूनिवर्सिटी के बैंक तक पहुंच चुके हैं, बस ताला खोला और पेपर हमारे हाथ में। That's right. बस पासवर्ड टिक बैठना चाहिए। वो भी बैठ जाएगा यार। लेकिन ध्यान से सुनो गाइस, Pio, it's okay. तुम लोग के दिमाग में जो भी पासवर्ड है मुझे बताओ, मैं ट्राई करके देखता हूँ। शेक्सपियर? मत नहीं, चुप कर। वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले? हाँ भैया, मिला था उनसे, पर 8 साल का बॉन्ड साइन करने के लिए कह रहे हैं। तो कर दो साइन, अब तो यहीं रहना ना। 8 साल क्या, 10 साल का कर दो, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे जैसे तुम्हारे पढ़ाई के 5 साल। ओके भैया। ओह नो, तुम लोगों की बेवकूफी से हम 2 चांसेस खो चुके हैं, अब आखिरी चांस है, प्लीज गिव सेंसिबल सजेशंस। शेखर को पैसे की जरूरत है इमीडिएटली। ओके भैया, मैं कल ही दे देता हूं साइन करके।
गुड नाइट। गुड नाइट। What do you mean साइन कर देता हूँ? वापस नहीं जाना है क्या? लेकिन भैया ने ये रकम मेरी पढ़ाई के लिए ली थी। तो वहां रहकर तुम इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हो। भेज देना पैसे। नीतू, कोई अमेरिकन कंपनी मुझे ये लोन नहीं देगी और भैया को ये पैसे इमीडिएटली चाहिए। इमीडिएटली की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। एक तो लोन लेने का फैसला उनका अपना था, तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। प्लीज नीतू क्वाइट। क्या व्हाट क्वाइट डैम इट। और देखो एक बात तुम भूल रहे हो, कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है और उसके पहले तुम्हें वापस जाना ही होगा। जय, सब ठीक तो है ना? ये वर्क परमिट की क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं माँ, आप सोए नहीं अभी तक? आप जाओ सो जाओ। आंटी, इनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है, उससे पहले इन्हें वापस जाना होगा अमेरिका। जय, जरा बाहर आना, एक जरूरी बात। नहीं माँ, इट्स ओके। आपको जो भी कहना है नीतू के सामने कहिए। शी इज माय वाइफ। ओम को बता दिया तूने इसके बारे में? किस बारे में? यही कि तू अमेरिका वापस जाने वाला है। नहीं बताया। बता देना चाहिए। लेकिन भैया ये रकम इसी वक्त लौटाना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो उसे मुमकिन बनाओ और अपनी जिंदगी को, इस घर को जिंदा रखने के लिए जलाई गई भट्टी में डाल दो। ओम ने भी तो जलाया अपने आप को, उसके मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। माँ मैंने कब कहा कि ओम भैया? मेरी माँ कहा करती थी, इस देश में दुख सहने वालों को भगवान माना जाता है। नीतू प्लीज। लेकिन हम भगवान नहीं, इंसान बन के रहना चाहते। पर उस भगवान के भाई तो बन सकते हो। उसने तुम्हें इतनी ताकत दी कि इंसान बन सको। भाई का फर्ज ही निभा दो। निभाऊंगा माँ, लेकिन उस तरह जिस तरह मैं निभाना चाहता हूँ, उस तरह नहीं जिस तरह भैया चाहते। आई एम सॉरी, मुझे अमेरिका वापस जाना है। एक वो है जो तुम लोगों की पूरी जिम्मेदारी उठाता रहा और उसने कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। और आज जब वो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उसके कंधों से वो बोझ उतारें, तो हम सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। नहीं माँ, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ बेटा, जब तू छोटा था, बोल नहीं सकता था, तो मुझे तेरी हर बात समझ में आती थी। अब तू इतना बड़ा हो गया है और हर लफ्ज साफ साफ बोलता है, तो मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आती। नहीं, 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 नहीं आती। माँ, सवाल यह नहीं कि तुम्हारा मांगना सही है या गलत, सवाल यह है कि इस वक्त रुपए नहीं है। सिर्फ 2 लाख की बात है और पढ़ाई के लिए मांग रहा हूं मैं। What's wrong in that? It always happens to me. मेरे ही वक्त पर आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। जय को तो पैसे उसकी पूछने से पहले ही मिल जाते थे। जगदीश, मैंने जय और तुम में कभी कोई फर्क नहीं समझा है। मैंने जय की पढ़ाई के लिए शेखर से काफी लोन लिया जो मैं अब तक चुका नहीं पाया हूं। जहां आपने इतने पैसे उधार पे लिए जय की पढ़ाई के लिए, वहां मेरे लिए 2 लाख रुपए और लेने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जगदीश, और मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वक्त मांग रहा हूं। 1-2 दिन में जय अपनी नौकरी का बॉन्ड साइन करेगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो जस्ट रिलैक्स। नहीं भैया, हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने एक और तरीका सोचा है। ये मकान बेच दीजिए। क्या? What's wrong with you, Jay? There's nothing wrong with me. अगर ये मकान बिक जाएगा
तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी, तुम्हारी, भैया की और मेरी। मैंने तुझे ये सोचकर अमेरिका नहीं भेजा था कि तू अपने संस्कार भूल जाएगा। तू इस घर को बेचने के लिए कह रहा? क्या माँ ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है? क्या हमारे दादाजी हमारे बाबूजी की आत्मा है? भैया मैं आपकी फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये सोच आपकी है मेरी नहीं। आज अमेरिका इतनी तरक्की पर क्यों है? क्योंकि वहां लोग आपकी तरह नहीं सोचते। ये अमेरिका अमेरिका क्या लगा रखा है? चार दिन तो हिंदुस्तान से बाहर क्या रह रहा है? तेरे ख्यालात बदल गए, तेरी सोच बदल गई है। जमाने के हिसाब से सब बदलना पड़ता है, ख्यालात बदलने पड़ते, सोच बदलनी पड़ती है और मकान बदलने पड़ते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? जय चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? जब दादाजी और बाबूजी ने ये मकान बनवाया होगा तो वो भी पहले किसी दूसरे मकान में रहते होंगे। अगर वो भी ऐसा सोचते तो क्या आज ये मकान होता? प्लीज आप दोनों लड़िए मत, मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं ये कॉस बाद में कर लूंगा। नहीं जगदीश, जगदीश गलती मेरी थी, ये इस घर को घर नहीं मकान ही समझेगा। मैंने इसे बचपन में बोर्डिंग भेजा था ताकि इसकी एजुकेशन अच्छी हो, इसकी पढ़ाई अच्छी हो। इसे अमेरिका भेजा ताकि ये कुछ बन सके। जब ये इस घर में राय नहीं तो इस घर की अहमियत क्या समझेगा? भैया बेवजह सेंटिमेंटल हो रहे हो, प्लीज डोंट माइंड, पर शायद अब तरक्की के खिलाफ है। आपने मुझे अमेरिका भेजा, मुझे पढ़ाया, और आज जब मैं डिग्री लेकर आ गया हूँ तो मुझसे 8 साल का बॉन्ड साइन कराकर क्या आप मेरी तरक्की नहीं रोक रहे? 2 लाख के लिए जगदीश की तरक्की नहीं रोक रहे? सो देन हाउ डज इट मैटर? प्लीज टेल मी हाउ डज इट मैटर? अगर ये सब बेचते, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब बेचते। कम ऑन जय, ये घर पिताजी का सपना था जिसे ओम भैया ने अपनी आहुति देकर जिंदा रखा है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जगदीश, जगदीश क्या मैं तेरी तरक्की के खिलाफ हूं? क्या मैं जय की तरक्की के खिलाफ हूं? ये भूल गया कि यह हिंदुस्तान है जहां पिता की आंखों ने जो सपने देखे वो बेटा पूरा करता है। अपने पिता के ध्येय को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा लेता है कि उनके जिम्मेदारियों के एक एक बोझ को वो उठा लेगा, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। आना? मैं जानता हूं आप मुझसे सहमत नहीं है, पर मैं एक बात बता दूं, मैं भी आपकी फिलॉसफी से सहमत नहीं हूं। एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ रिस्पेक्ट। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं भैया, मुझे याद है। इन फैक्ट ये चेक मैंने अभी तक संभाल कर रखा है, लॉट्स ऑफ जीरोज। और कितने जीरोस ऐड करने आए हैं मिस्टर बत्रा? सॉरी तानिया जी, मेरे घर वाले बिखर ना जाएं, इसलिए मेरा यह घर बेचना बहुत जरूरी है। क्या आप अभी भी मेरा घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? मैं जरूर आपका घर खरीदती अगर आपने ऑलरेडी उसे किसी को बेच ना दिया होता। बेचने दिया? मैं समझा नहीं। मिस्टर बत्रा, गुलमोहर विला अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसे बेच चुके हैं। किसे? मेरे मंगेतर को। एक मिनट, देखिए आप चाहते हैं तो ये पेपर्स देख लीजिए प्लीज। देखिए ये आप ही के सिग्नेचर्स है ना? हाँ, ये तो शेखर, ये जो मैंने उससे पैसे लिए थे उसके रसीदे हैं। हाँ, लेकिन जो आपने पैसे लिए थे उसके बदले में घर गिरवी रखा ना आपने अपना। ये पेपर्स आपके पास आए कैसे? Well, here he is. Hi, sweetheart. Hi. क्योंकि शेखर ही मेरा मंगेतर है और गुलमोहर विला मेरी शादी का गिफ्ट। Hey, ओम,
डोंट टेल मी तुम तानिया को भी सिंगर बनाना चाहते हो। अरे इसे गाना वाना बिल्कुल नहीं आता है, ये सिर्फ पैसा कमाना जानती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन डार्लिंग। शेखर तूने तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। धोखा? व्हाट धोखा? मैं नहीं जानता था शेखर कि पैसे के बदले में तू मुझसे मेरा घर हथिया रहा था। जब तक मैं पैसे दे रहा था तब तक मैं भगवान था, और आज मैं धोखा दे रहा हूं, कमीना बन गया हूं। शेखर प्लीज, इट्स नो, आई हेट दिस मिडिल क्लास मेंटेलिटी। जब तक अच्छा करते रहो तब तक सब ठीक है, लेकिन मैं अपने बारे में ना सोचूं, करोड़ों रुपए दे दूं लेकिन मैं कुछ कहूं ना। हाँ मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूं, सो आई शुड अपोलोजाइज फॉर दैट। लोगों से माफी मांगूं मैं? मिस्टर बत्रा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। व्हाई यू गेटिंग अपसेट? मैं अपसेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मैं इसे अपना दोस्त समझता हूं, सगे भाई से ज्यादा मानता हूं उसको मैं, और ये कह रहे कि मैंने इसे धोखा दिया है। हाँ दिया है मैंने धोखा, दिया है मैंने धोखा। तू एक काम करना, मेरे पैसे वापस कर दे, साबित कर दे कि प्यार की ताकत पैसे की ताकत से ज्यादा होती है। तुम तीन भाई हो ना, ओम जय जगदीश, मिलकर मेरे पैसे वापस कर दो, मिलकर, वरना खाली कर दो अपना गुलमोहर विला 48 घंटे के अंदर। कोर्ट का ऑर्डर ले आऊंगा मैं, यू अंडरस्टैंड दैट? और कल से काम पर मत आना। आई वांट दैट ब्लडी हाउस वैकेंट। शेखर वो घर खाली कर देंगे, तुम खुद कहते हो ना कि वो टाइम के पक्के हैं। ये जिंगल बेल है और ये सैंडमैन है। पापा जा जा तो जा रहे हैं। भैया। हाँ जय। आपसे कुछ बात करनी है। तू वापस जा रहा है? हाँ भैया मैं जा रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तेरे पास ग्रीन कार्ड है? ग्रीन कार्ड तो है लेकिन मेरी नौकरी चली जाएगी। तुझे मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। और वैसे भी इस देश में रहकर तू क्या कर सकता है? तू चला जाए यहां से। यहां कदम कदम पर धोखे हैं, लोग दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोंकते हैं। मेरा कमरा तो नीचे है, तू जितना जल्दी हो सकता है चला जाए यहां से। तुझे मेरी इजाजत है। मैं वहां से पैसे भेजूंगा। उसकी जरूरत नहीं है जय। नहीं भैया मैं भेजूंगा। थैंक यू। I love you, Mom. I'm sorry. Acha ji. Bye, Bobby. Namaste, Auntie. Anil Khanna, Jagdish ke college ka principal. मैं जानता हूँ सर। हम उसके कमरे तक जाना चाहते हैं। ओ? लेकिन मे वी प्लीज। आइए सर। कौन आया? वहाँ प्रिंसिपल साहब जगदीश से मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। दिस वे। क्या बात है? पता नहीं माँ। सर आप? मिस्टर जगदीश, तुम्हारा कंप्यूटर चेक करना है हमें। मिस्टर जगदीश तुम्हारा पासवर्ड क्या है? क्यों सर? तुम्हारा पासवर्ड पूछ रहे हैं जगदीश। सरस्वती। क्या? सरस्वती हमारी मां का नाम है।
प्लीज चेक इट आउट. जी सर. एक्सक्यूज मी. हमारा शक सही है सर. इस साल यूनिवर्सिटी के पेपर्स जगदीश के कंप्यूटर से चुराए गए हैं. ओके. अतुल, क्या जगदीश ने तुम्हें यूनिवर्सिटी के पेपर इसी कंप्यूटर से दिए थे? आई एम आस्किंग यू अतुल. यस यस सर. गेट आउट. क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? कोई मुझे बताएगा क्या किया इसने? मैं बताता हूं मिसेस बत्रा. जैसे कोई चोर डाकू किसी के घर में घुस के उसकी चीजें चुरा लेता है, हाँ? जगदीश ने भी अपने कंप्यूटर से कुछ ऐसा ही किया है. ये चोरी पढ़े लिखे लोग करते हैं, कभी कभी आसानी से पैसा कमाने के लिए. मिसेस बत्रा, मैं चाहूं तो इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकता हूं, पर पता नहीं क्यों. लेकिन इसकी सजा अब यह है कि इसको किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सकता, इसे किसी भी कंप्यूटर कंपनी में काम नहीं मिल सकता. इसके फ्यूचर के बारे में आई एम वेरी सॉरी. मगर ये चोरी इसने क्यों की? पता नहीं मिस्टर बत्रा, ये तो सिर्फ जगदीश ही बता सकता है कि इसका कारण क्या है और इसने ऐसा क्यों किया. धोखा दिया तूने मेरे विश्वास को. प्रिंसिपल की सजा तू नहीं, हम सब भी सहेंगे. कितने पैसे मिले थे तुझे पेपर्स बेचने के लिए? भैया, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? एक दोस्त की मदद कर रहा था मैं. ये बात तो आप समझ सकते हैं, आप ही से तो सीखा मैंने. क्या सीखा है मुझसे? चोरी करना? क्या मैं चोरी करता हूं? दोस्त की मदद ऐसी की जाती है चोरी करके? ना तेरे पास कोई डिग्री है ना फ्यूचर. यू आर रॉइंग. तू एक चोर और मैं चोर का भाई. एंड दैट्स द ट्रुथ. यू आर अ लायर एंड अ ब्लडी हैकर. अब तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं. चाहे मेरी कमजोरी है और तू मेरी ताकत, लेकिन आज तूने मुझे कमजोर बना दिया है, अबाइस बना दिया है मुझे. जगदीश बेटा, जगदीश, जगदीश. मम्मा, जय चाचू, जगदीश चाचू किधर गए? कुछ दिनों के लिए बाहर गए, वापस आ जाएंगे. झूठ मत बोलो बच्चे से. ओम बेटा, इस घर की नींव में बहुत ताकत है. जय और जगदीश जरूर वापस आ जाएंगे बेटा. ये घर रहेगा तो आएंगे माँ. क्या मतलब? ये घर अब शेखर मल्होत्रा का हो चुका है. क्या? जय की पढ़ाई का कर्ज नहीं चुका सका, इसलिए ये घर उसने अपने नाम लिखवा लिया. अपना सुख तो सभी के साथ बांटते थे, फिर अपना दुख सिर्फ अपने लिए. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये ओम है, इंसानों की दुनिया में भगवान बनना चाहता है. वक्त आ गया है बेटा, अब तू अपने बारे में सोच. कब जाना इस घर को छोड़ के?
चल सुबह। किधर जा रहे हैं कल सुबह? रीटा अब इसकी शादी हो गई है, इसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दो। कर लिया ना एक फैसला खुद शादी का। प्लीज, जैसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। ओह ग्रेट, तब तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ कभी नहीं बदलेगी बेटे। Yes, come on, Giri, I'm waiting. हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। Bye बेटा। Bye. Bye mom. Bye. No doubt you have worked hard and created a miracle, and that's why we've approached you initially. But, you know, we have a problem though. Mr. Carter, you didn't have any problems with the design earlier. But now we have a problem. It does not suit our technical specification. You need to work on speed and power. Thanks for the advice. Thank you. An Indian will always be an Indian. I am not overreacting, Neetu. चाहते मैं उनकी रिसर्च टीम के साथ काम करूं, अपने डिजाइन को अपना ना कहूं। तुम मत कहो, लेकिन ये तो बताओ कि आप करोगे क्या? एक बार फिर सोच लो जय, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे हो? अरे बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और अब कहीं इंडिया वापस जाकर ओम भैया को ये साबित तो नहीं करना चाहते कि ओम भैया सही थे और हम लोग गलत? मैं इंडिया वापस नहीं जा रहा हूं। मैं तो इस शहर में इसलिए आया था कि ये बीच की सिटी है ना, तो मुंबई की तरह बहुत फास्ट और ना हमारे सतना की तरह बहुत स्लो। फिलहाल तो मैं पिज़्ज़ा हट में काम कर रहा हूँ, पर देखना तू, एक दिन मेरा खुद का फास्ट फूड का चेन होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे नौकरी जल्दी ढूंढनी पड़ेगी। अरे हाँ, मैंने तेरे लिए कंप्यूटर कंपनी में बात की है, वो लोग हमारे यहाँ से पिज्जा मंगवाते हैं। कब मिल सकता हूँ उनसे? रात में, एक्चुअली क्या है वो लोग 10 बजे के बाद ही काम शुरू करते हैं। थैंक्स। G4। वैसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैक करना कोई आसान काम नहीं था। But man, you did a nice job. Hey, got into his sex site lately? Hey, just shut up. हम एक बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, ओके? हम चार में से जो भी उस अकाउंट में चोरी करेगा वो 50% का अकेला हकदार होगा। You got it? और बाकी सब शेयर हमारा। G4। ओ, तो तुम लोग सब प्रोफेशनल हैकर्स हो। तो तुम क्या हो? अ बेबी हैकर? Listen man, एक बात तो साफ है, अगर हम चोर हैं तो तुम भी चोर हो। Bloody hacker. दादी, हम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आए? बेटा, वो घर बहुत बड़ा था, रहने वाले कम थे, उसकी देखभाल करना मुश्किल था। दादी, मुझे ये घर अच्छा नहीं लगता। आयशा, अगर कुछ दिनों के लिए तुम अर्णव को लेकर अपने डैडी के घर रहना चाहो तो वैसे भी उसकी स्कूल की छुट्टियां हैं। जिस तरह तुमने जय और जगदीश को अपने आप से अलग कर दिया, मुझे भी अलग कर देना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारी ईमानदारी को चाहा है और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, मगर तुम्हें उदास और परेशान नहीं देख सकती। पापा, मैं रेडी हूं। चलो बाय, टाटा।
पापा कहाँ जा रहे हैं? रामप्रसाद अंकल को मिलने बेटा। सर आइए। अरे यार वो कल्चर मिनिस्टर का फोन था, उसके बेटे स्कूल में फंक्शन है, वहाँ मुझे गाना गाना है। तुम जानते हो मैं ना तो किसी को बोल नहीं सकता। आई कांट से नो टू नोबडी। बोलो कैसे आना हुआ? रामप्रसाद तुम्हें तो पता है कि मैंने शेखर को मालूम है, छोड़ दिया। आगे मैं अपना एक एल्बम बना रहा हूँ। That's great. You must do something good, good, yeah. और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें गाओ। मैं? हाँ। मैं उसमें कैसे गा सकता हूँ यार, तुम तो जानते हो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है शेखर के साथ 5 साल का। I can't break that. लेकिन ब्रेक तो मैंने दिया है। I can't talk much now. मेरी रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। रामप्रसाद, don't do that. Bye. See you. Come on, come on. Bye. That's not fair, रामप्रसाद. Come on, RP's here, taking on your toes. RP's here, taking, taking. I can provide you with food, shelter, and this junkyard, you know. That's all I need. नीतू, कुछ ही दिन की तो बात है। I just feel that या तो तुम पागल हो गए हो कि इस तरह का काम कर रहे हो, या तो I'm just mad कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। ये नहीं हो सकता जय, I mean ना तुम पागल हो ना मैं, तुम मेरी ताकत हो, मेरी फैमिली हो, वरना ऐसे हालात में इंसान को टूटने में कितना वक्त लगता है। तुमने मुझ पर विश्वास किया, फॉर विच आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। I love you. Jeff. I love you. Jeff, please. Shh. Jeff, please. Hello. Jeff. Please. You're just mad. I have to love you so much. Yeah, ma'am, I'll make that to you. Pizza Hut, good morning. Sure. Your parcel? 68 veg pizzas. Can I have the address? Your order to main leke jaunga. हाफ है ना, ये ऑर्डर मैं लेके जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून, पिज्जा डिलीवरी डेयर वहां? हाँ मिस्टर श्रीनिवासन, सो एवरीथिंग इज फाइन? या या, गुड गुड। सो मिस्टर राव, yeah. Yeah. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yeah. Sir, मुझे एक चांस दीजिए। मैं बैंगलोर इसी कंपनी के साथ काम करने के लिए आया हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे यह नौकरी मिल गई तो मैं इस कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता हूँ। यंग मैन, आदमी अपने जज्बात और उतावलेपन से नहीं, अपनी मेहनत और दिमाग से कामयाब होता है। सर, मैंने आपके बारे में पेपर्स में बहुत पढ़ा है, आपकी पूरी कहानी सुनी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे लिए एक आदर्श हैं। मैं आपसे सिर्फ 100 सेकंड मांग रहा हूँ, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ, प्लीज। वेल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सर। आई वॉन्ट टू डिवेलप दिस वन सॉफ्टवेयर, आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू, आई नो आई कैन डिवेलप अ सॉफ्टवेयर जिसमें से आई मीन वी कैन बी बिगर देन विंडोज सर। मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर, आई मीन यू नो विच इज एंटी हैकिंग, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ जिसमें आई मीन मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, आई मीन जिसमें से यू नो कंप्यूटर में हैक ना हो। सर आई मीन प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम नॉट अ हैकर, बट 100 सेकंड्स आर ओवर यंग मैन। सर सर प्लीज, मैं कह रहा था आपसे। संतोष गाड़ी रखो, कॉल मी बैक 5 मिनट्स। बाप बेटा साथ बैठे सड़क पे क्या कर रहे हैं? बेटा आपने स्कूल भी छोड़ दिया?
छुट्टियां हैं। पापा की भी छुट्टियां हैं, है ना? ओम, हम एक साथ काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। मैं घर में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, वहाँ से समंदर भी दिखाई नहीं देता। Shut up, Arnav. पापा मैं तो। I said shut up. पहले क्या क्या है? पहले तो कभी नहीं डांटते थे। मेरे बगैर मार्केट में तेरी कोई अहमियत नहीं है, हर तरफ से ना ही सुनने को मिलेगी। और ये क्या हूँ, तुझे गुस्सा हो तो वह पहली बार देख रहा हूँ, वो भी एक छोटे से बच्चे पर। लगता है तेरी फिलॉसफी बदल गई है, प्यार की ताकत पैसे की ताकत से बड़ी नहीं होती है। एक भाई तेरा अमेरिका चला गया, दूसरा बैंगलोर, और तू कहता था कि मैं अकेला हूं। मैं तुझे कब से कह रहा हूं यार, आजकल भाई भाई एक साथ कहां रहते हैं? हम साथ साथ हैं, ये सब फिल्मों में होता है, नॉट इन रियल लाइफ। यस हनी, आ रहा हूं। यप, तानिया और मैं आर्किटेक्ट को मिलने जा रहे हैं, गुलमोहर विला पर 5-star होटल बनाने के लिए। बाय अर्णव। बाय। रोज जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं, रोज एक नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा हूं, लेकिन क्या करूं, सब कुछ मुझे फैला हुआ लग रहा है। मेरी I just cannot get it. बेमतलब 5 साल के बेटे को पागलों की तरह सड़क पे लिए घूम रहा हूं, बेमतलब। बोला ना, के मिक्स मर चुका है, के मिक्स मर चुका है, दैट्स इट, नाउ गेट आउट। मुझे श्रद्धांजलि देने आए हो, गार्लैंड बुके कहां है? हम जानना चाहते हैं कि 4 सालों से आपकी एल्बम क्यों नहीं निकली, व्हाट्स द रीजन केके जी? 4 साल पहले मैं स्टार था, चोर था, चोरी के गाने गाता था। अब कम से कम इस बात की तसल्ली है मुझे कि मैं चोर नहीं हूं, इसलिए सिंगर भी नहीं हूं। थैंक यू। ये थे हमारे सुपरहिट सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर केके मिक्स। तुम मुझे मुबारकबाद देने नहीं आए हो, बल्कि मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो, मुझे इस बात का एहसास दिलाने कि माय सक्सेस वाज माय इल्यूजन, कि मेरी कामयाबी मेरी गलतफहमी थी, यही ना? तुम्हारी वजह से 4 साल से मैं घर पे बैठा हूं एंड डूइंग नथिंग, जस्ट नथिंग, नथिंग। पापा, गुड मॉर्निंग। घर पर बैठने से ना तो कलाकार मरता है ना कला। मैं मर गया, मैं गा ही नहीं सकता, आई एम फिनिश्ड, आई कैन नॉट सिंग, जस्ट फिनीटो। डोंट प्लीज गेट लॉस्ट, चले जाओ। ये तुम्हारा वहम है केके। अर्णव, मुझे तुम्हारे गले पर ना उस वक्त शक था ना आज है, तुम आज भी अच्छा गा सकते हो, और मुझे पूरा यकीन है जो नाम तुमने चोरी के गाने गाकर कमाया है उससे कई ज्यादा तुम ओरिजिनल गाने गाकर कमा सकते हो। Hey, wait! Hey, wait, wait, wait. Guess. जिस दिमाग को सिर्फ चोरी के गाने गाने की आदत हो वो ओरिजिनल गाने कैसे गाएगा, टेल मी। दो लाइनें याद रखना केके, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बाहर के, चीना के जीवन से हार के। ए, क्या बोले? क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के, जो हर सांस जी गया उसको हम नहीं। अर्णव, मैं तुम्हें मार ढूंढ रहा हूं, तुम यहां जो हर सांस जी गया मरने का उसको हम नहीं।
कहता है गगन, कहता है ये मन जिसमें है लगन, दिल टूटने पे भी नगमे गाए प्यार के, प्यार के, प्यार के। जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के। काली घनेरी रात में चांदनी खिल जाएगी, तुझे अंधेरों में कहीं रोशनी मिल जाएगी। काली घनेरी रात में चांदनी खिल जाएगी, तुझे अंधेरों में कहीं रोशनी मिल जाएगी। रहता नहीं सारी उम्र साथी ये गर्दिश का सफर, देती है मंजिल का पता कांटों भरी मुश्किल डगर। जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के। ओम साहब, आपने कैसेट कंपनी खोली है? हाँ जैन साहब, और उसकी एजेंसी मैं आपको देना चाहता हूँ। ओम जी, बुरा मत मानिए, मैं कोई छोटी या नई कंपनी का माल नहीं रखता। केके मिक्स जो 4 साल पहले ही खत्म हो गया, ये क्या एल्बम है? जीना क्या, ऐसे गाने नहीं बिकते। वैसे भी मैं शेखर बाबू को नाराज नहीं करना चाहता। ओम जी, आप? नमस्ते, आदाब अर्ज है ओम जी। पहचाना नहीं आपने? अच्छी तरह से नकली कैसेट्स बनाने वाले को कैसे भूल सकता हूँ। ये भी ठीक है ओम जी, मार्केट में न्यूज़ है ओम जी कि केके मिक्स के साथ मिलकर आपने नई म्यूजिक कंपनी खोली है और कैसेट है कि कोई बेचने को तैयार नहीं है ओम जी। मगर मैं बेच सकता हूँ ओम जी। ओम जी अब देखिए ना, आज तक आपने ईमानदारों पर भरोसा किया, एक बार इस बेईमान पर भी भरोसा करके देख लीजिए। जरूर करूंगा, अगर तुम नकली कैसेट बनाना बंद कर दो। ओम जी जानते हैं आपकी बात मानने को दिल क्यों करता है, क्योंकि इतनी बुरी हालत में भी आप शर्तें रख रहे हैं। ठीक है ओम जी, खुदा गवाह है, आज से नकली कैसेट बनाना बंद। कैसे पापा? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या शॉपिंग कर रही थी? नहीं बस यूं ही। जय कहाँ है बेटा? वो काम पर गया है पापा। यू मीन जंकयार्ड में? तो क्या खाना तुम बनाती हो? नहीं बस कोशिश कर रही हूँ मामा। That's so sweet. जरा इसकी शक्ल तो देखो, पहले कैसे लगती थी और अब कैसे लगती है। शक्ल सूरत के अलावा कुछ और भी दिखाई देता है तुम्हें। हाँ, अपनी बेटी का बैड फ्यूचर। बेटी वापस कैसे जा रही है? हेलीकॉप्टर में जय आएगा इसे लेने के लिए। चलो बेटी हम तुम्हें छोड़ आते हैं। ओके बेबी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, आई मीन जस्ट लुक एट इट, व्हाट अ डंप। मुझे तो शर्म आती है, दुनिया की सबसे बड़ी कार, सबसे फास्ट कार बनाने का दावा और काम ये। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई एम कमिंग।
My poor baby. If you need anything, just come home, okay? We're there for you. Yeah. Take care. Yeah. Bye, baby. Excuse me. Hold on, I'm coming. Okay. Oh my God. यहाँ क्या तकलीफ है? हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह मुश्किलों में जिंदगी गुजारने की. Why the hell are we doing this? प्रॉब्लम है कि तुमने हमेशा आराम की जिंदगी जी है. मुश्किलें क्या होती है तुम्हें उसका कोई अंदाजा नहीं. मुझे अंदाजा? मेरे घर वाले मुझे आराम की जिंदगी दे सकते थे. हाँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे वही जिंदगी देना चाहते हैं, मेरे सुख के लिए नहीं, तुम्हारे सुख के लिए. तो तुम्हें मेरे सुख की कोई परवाह नहीं? How can you be so damn selfish? अगर तुम मेरी खुदारी को सेल्फिशनेस का नाम देना चाहती हो तो फिर तुम्हें जो करना है करो. Cut that bullshit. और वैसे भी तुम मुझे अपना फैसला सुना रहे हो, अल्टीमेटम दे रहे हो. मैं तुम्हें समझा रहा हूँ. नहीं समझना मुझे और नहीं रहना इस कबाड़ खाने में. ये कबाड़ खाना नहीं, हमारा घर. ये डायलॉग भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बड़े भाई का है. Get out. Get out. Call you later, yeah? Yes. Hello, Shekhar भैया. मैं जय बोल रहा हूँ अमेरिका से. हाँ जय बोलो. ओम भैया है? अभी तो नहीं है. शेखर भैया, ओम भैया ने मेरी पढ़ाई के लिए जितना पैसा लिया था वो मैं वापस कर दूंगा. हेलो हेलो. मेरी वजह से झुका है. मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी वजह से कल उनका सर फक्र से उठ सके. मैं तभी घर जाऊंगा. I'm sure, तुम जो कुछ सोचकर यहाँ आए हो उसमें जरूर कामयाब होगे. I know it sounds romantic, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ. होम मिनिस्टर से बात करने से कोई फायदा नहीं है. ये प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व कर सकता है या तो कोई प्रोफेशनल हैकर या कंप्यूटर जीनियस. गुड मॉर्निंग, मैं मिस्टर पिल्ले से मिलना चाहता हूँ. आई एम सॉरी सर, ही इज इन अ इमरजेंसी मीटिंग. हाँ जी, मैं उसी इमरजेंसी मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ. प्लीज सॉरी सर, उनके पास टाइम नहीं है. देख, उनसे बस कहिए कि मैं उनके सिर्फ 100 सेकंड्स दूंगा. 100 सेकंड्स, प्लीज जस्ट गिव हिम अ कॉल, वो मुझे पहचान जाएंगे. ओके. इतने बेहतरीन इंजीनियर होने के बावजूद हम अपनी कंपनी के साइट को हैक होने से रोक नहीं पाए. मैं जानना चाहता हूँ व्हाई. प्लीज कम इन यंग मैन. So young man, how can you help me? वो भी सिर्फ 100 सेकंड्स में. सर, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? Thank you. Okay. Thank you.
समझ रहा है कि ये भी कोई पिज्जा की दुकान है, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं। मेरा काम भी खत्म हो गया है। 100 सेकंड्स के अंदर यह सिस्टम उन चोरों को ट्रैक कर सकता है और ये चोरी रोकी जा सकती है। 100 सेकंड्स मिस्टर पिल्ले, 100 सेकंड्स, यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ। अब मुझे विश्वास है कि मैं जो भी करूंगा उसमें जरूर कामयाब होऊंगा। एक मिनट, इट्स अ विश। व्हाट विश? ये लो जगदीश, आज का दिन बहुत लकी है, जो भी विश करोगे जरूर पूरी होगी। क्या विश किया तुमने? ओम भैया और जय, आज जो भी मांगे वो पूरा हो जाए। और अपने लिए? मेरी विश भी पूरी हो गई। ये वही रोज है जो पहली बार तुमने मुझे दिया था। हे चोरी 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 चोरी
कहा क्या तुमने सुना, दिल पर तुम्हें ही मैंने चुना। दिल क्या सुनाऊं, आपने चैन मेरा ले लिया, आपने चैन मेरा ले लिया। मुबारक हो केके सर, मुबारक हो ओम जी। आशा भोसले भी हमारी कंपनी के लिए गाने को राजी हो गई है। हे ग्रेट मैन, इसका मतलब तकरीबन सारे आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। नाउ द लिस्ट गोज अलका याग्निक, उदित नारायण, हरिहरन, सोनू निगम, सुनीता राव, सुखविंदर, अलीशा चिनाय, एंड नाउ द ग्रेट आशा भोसले। एवरीबॉडी ब्रदर, एवरीबॉडी। ओम जी, शेखर को इससे बड़ा झटका क्या मिल सकता है? 100 सोनार की तो एक लोहार की केके सर। राइट, बड़ा ही मजा आ गया। रहमान, अगर अपनी जीत का असली मजा लेना है तो उसकी तुलना किसी दूसरे की हार से मत करो। मगर जिस आदमी ने तुमसे तुम्हारा घर छीना और जिसने तुम्हारे भाई, मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है। गुप्ता जी, सब सिंगर्स को बता दीजिए कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट में से 25% सिंगर्स को मिलेगा। जी सर। ए ब्रेन मैन, सरप्राइज सरप्राइज, फैबुलस प्लीज, फैबुलस। भाई मैं तो आपको कामयाबी पे मुबारकबाद देने आया हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, तकलीफ भी बहुत पहुंची, आखिर इंसान हो भाई। हेलो, कविता जी बात करना चाहती हूँ। जी ओम जी, कविता कृष्णमूर्ति, उनसे कहो मैं फोन कर रहा हूँ। जी वो आपको फोन करेंगे।
मेरी कंपनी में काम करने वाला जो मेरा दोस्त भी था, जिसे मैंने पैसे दिए ताकि वो अपने भाइयों को पढ़ा सके, वो मेरा ही बिजनेस शुरू करके मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा है, मुझसे ही गद्दारी कर रहा है रमानी जी। और गुप्ता जी, हंसी की बात तो यह है कि बात हमेशा संस्कारों की करेगा, और प्यार की ताकत पैसे की ताकत से बड़ी होती है, इस फिलॉसफी में यकीन करने वाले को आखिर में क्या मिला? अपने दोनों भाइयों से करारा तमाचा, अ स्लैप ऑन द ब्लडी फेस। दोनों भाई क्या निकले? धोखेबाज, कमीने, खुदगर्ज। सच बोल रहा हूं ना रमानी साहब, सच है कि नहीं? क्यों ओम? सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो सच बोल सके और दूसरा जो सच सुन सके। सच तो यह है कि दोस्ती और प्यार जैसे शब्दों से तुम्हारा कोई लेने देना नहीं। तुम सिर्फ पैसे की ताकत समझते हो, क्योंकि बतौर इंसान तुम खोखले हो। सच तो यह है कि हम जैसे लोग जिंदगी की शुरुआत कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप से नहीं डरते, हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते। लेकिन तुम जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी को झूठ के दायरे में समेट रखा है। तुम अपने आप से डरते हो, तुम नाकामयाबी से डरते हो शेखर। सच यह भी है कि मेरे भाई मेरी सांसों से जुड़े हुए हैं, हम तीनों को सिर्फ हमारे खून का रिश्ता नहीं जोड़ता। ओम जय जगदीश को जोड़ता है एक एहसास, प्यार का, अपनेपन का, हमारे संस्कारों का। तेरे इस महान बनने की कोशिश को मैं बर्बाद कर दूंगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि पैसे की ताकत क्या होती है। ये थप्पड़ तूने शेखर मल्होत्रा के अहम कुमारा है। I will destroy you, your सरस्वती ऑडियो एंड योर गुलमोहर विला। तुम्हारे संस्कारों के मंदिर को मैं बीच बाजार नीलाम करूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। रमानी, नीलामी की खबर छपा दो। यस सर। सरस्वती ऑडियो को बर्बाद कर दूंगा मैं, ओम बत्रा को सड़क पे लेके आऊंगा। मिस्टर रमानी, अपने सारे कसर के दाम कम कर दीजिए, 25 रुपए कर दीजिए। आई डोंट केयर, हमारे पास पैसा है, उसके पास कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट? आई डोंट केयर इफ यू हैव टू गिव द ब्लडी कैसेट फॉर फ्री, ऑलराइट? गिव देम फॉर फ्री लाइक दिस, बट आई वांट हिम आउट ऑफ द मार्केट। यू गेट दैट? Whoa! She works, man. She works. That's cool, yes. Man. This is the happiest day of my life. Hey, it works. You made it, my boy. Whoa! That was excellent. मैंने कर दिखाया हूँ भाई। मैंने कर दिखा। We are going to the boardroom. ये है जय बत्रा। इन्होंने सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तैयार की है। Hello. I have quoted him 2 million. Now it is up to you to decide. So what's the design worth? $2 million. Can we have a test drive? Ji haan, main engine ka test dene ke liye taiyar hoon. And what is the name of the car? Made in India. Actually, thank you. Your design has been approved. Yes. Hello, Shekhar bhaiya, Jay bol raha hu. Main Hindustan wapas aa raha hu. Om bhaiya ne jitna karza liya hai, use wapas kar le. Hindustan zarur wapas aa jaye, lekin mera paisa wapas karne ke liye nahi. Gulmohar villa bachane ke liye. Nilam kar raha hu main tumhara ghar. हेलो हेलो शेखर भैया, हेलो। काली घनेरी रात में चांदनी खिल जाएगी, तुझे अंधेरों में कहीं रोशनी मिल जाएगी। मेरे
रहता नहीं सारी उम्र साथी ये गर्दिश का सफर देती है मंजिल का पता कांटों भरी मुश्किल डगर क्यों सब कुछ छुपा देते हो भैया अपनी ताकत को कमजोर समझा आपने सोचा सारी जंग अकेले लड़ेंगे क्यों सब कुछ छुपा देते हो भैया आप मेरे लिए बाबूजी थे आप मेरे फिर क्यों अलग किया मुझे क्यों भैया जगदीश हूं मैं आपका जगदीश हूं मैं आपका Thanks. Cheers. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं मैंने अपने इंजन का डिजाइन एक ऑटोमोबाइल कंपनी को बेच दिया है $2 million में Oh my God. Oh my God. हाँ नहीं तो That's great, Jay. That's... पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया मेरे लिए I mean, हमारे लिए जय हमारे फ्यूचर के लिए हाँ नहीं तो और हमारा फ्यूचर इंडिया में है इंडिया में नहीं तो हमारा घर नीलाम होने वाला है मैं इंडिया वापस जा रहा हूं तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज अजय नीतू जय अपना ख्याल रखना Your attention, please. Passengers traveling by Air India flight AI-102 yes, from Mumbai. That's fine. तुम हमेशा कहा करती थी कि तुम किसी कमजोर या बिना रीढ़ की हड्डी वाले इंसान से शादी नहीं करोगी मैं जानता हूं कि तुम्हारा इशारा मेरी तरफ हुआ करता था लेकिन आज तुम क्या कर रही हो जय एक खुददार आदमी है और तुम उसे मैं इतना बनाना चाहती हो कमजोर और बिना रीढ़ की हड्डी का देखो बेटी जो इंसान रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता वो हमेशा अकेला महसूस करता है क्या तुम जिंदगी भर अकेला महसूस करना चाहती हो अरे ये अकेले क्यों हैं? हम हैं ना इसके साथ शट अप व्हाट आई सेड शट अप Passenger Jay Batra traveling to Mumbai, please report at the security counter. Jay? Beta? Beta, gaadiyan banate ho. Zindagi banana seekho. Aur zindagi ki gaadi ek pahiye pe nahi chalti, bete. Do pahiye pe chalti hai.
थैंक जगदीश। जैसे ही हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट इसका अप्रूवल दे देता है, हम इसे परचेज डिपार्टमेंट को भेज देंगे। ओके, थैंक यू सर। कोई नाम सोचा इसका? जी सर। क्या? ओ, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है तानिया, खास करके आजकल के जमाने में। आजकल के जमाने में पैसा कमाना आसान है। पैसा कमाने के लिए मेहनत की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, जो इन तीनों भाइयों में बहुत है। अगर इन्होंने पैसा कमा लिया तो मैं मुकर जाऊंगा। बंगला मेरे नाम पर, ऐसे मैं 2 करोड़ का बेचूं या फ्री में दे दूं, मेरे हाथ में। यू नो यू सच अ थैंक यू। इतनी रात के अकेली यहाँ क्या कर रही हो माँ? बेटा, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं अपने आप को पूरी तरह से समेट नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस घर में मरूं तो शायद तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता तो कुछ भी नहीं हो सकता माँ। के? बोलो। सरस्वती ऑडियो अकाउंट में कितने पैसे हैं? तकरीबन 6.5 करोड़। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दोस्तों, इस नीलामी में आने का शुक्रिया। गुलमोहर विला जुहू बीच पर इमारतों के जंगल के बीच एक फूल की तरह, और आज पैसे की ताकत से ऊपर वाले की बनाई हुई ये अनमोल जमीन आपकी अपनी हो सकती है। 1942 में पाकिस्तान से आए हुए एक रिफ्यूजी सत्यप्रकाश बत्रा ने इसे सिर्फ 25,000 रुपए में खरीदा था। इसलिए आज की बोली मैं 25,000 रुपए से ही शुरू करवाना चाहता हूं। आइए मिस्टर रमानी, और नीलाम कीजिए गुलमोहर विला को। एक मिनट, मिस्टर शेखर मल्होत्रा ने अपनी छोटी सोच और छोटी औकात के हिसाब से इस बंगले की बोली लगाई है। इस बंगले की अहमियत क्या है ये मुझसे अच्छा और कोई नहीं जानता। 5 करोड़। 5 करोड़, 5 करोड़, 1, 5 करोड़, 2, 5.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़, 6.5 करोड़, 6.5 करोड़, 2, 7 करोड़। क्यों मिस्टर ओम बत्रा, मेरी छोटी हैसियत के सामने तुम्हारी औकात छोटी पड़ गई? अब बोली बढ़ा नहीं सकते तो यहां खड़े क्यों? गेट आउट, गेट आउट। 7 करोड़, 7.5 करोड़, 1, 7.5 करोड़, 2, 7.5 करोड़। जय को तो आना ही था भैया, सॉरी थोड़ी देर हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जय, यू लुकिंग यंगर भैया। तू कितना दुबला हो गया? मैं माँ के हाथ का खाना नहीं मिल रहा था ना, शायद इसलिए। माँ कैसी है? माँ
माँ ठीक है, उसे उसे घर की नीलामी के बारे में कुछ नहीं पता चाहिए। ओके, 10 करोड़। ग्यारह करोड़ दो 12 करोड़ जय, इतने सारे पैसे कैसे आए तेरे पास? मैंने अपनी कार के डिजाइन को पूरे $2 मिलियन में बेच दिया। तू अपने फास्टेस्ट कार के सपने को बेचकर हमारे सपनों को बचाने आया। सपने और हकीकत में क्या फर्क है ये मैं जान गया हूं। चौदह करोड़ एक रुपया। एकदम मुंबई की तरह दिख रहे हो। 15.5 करोड़ जी जा रहा है तुम्हारे पैर भी छू लूं। 17 करोड़ 17 करोड़ 17 करोड़ 1 20 करोड़ 20 करोड़ 1 20 करोड़ 2 20 करोड़ 3। Congratulations, Mr. Sabharwal. Thank you. लेकिन हमने आपके लिए एक और खास चीज रखी है। हम चाहते हैं कि बंगले के पेपर्स बंगले के असली मालिक के हाथों से ही आपको दिलवाए जाएं, और वो है सरस्वती देवी। हमें माफ कर देना, हम तीनों मिलकर भी अपना घर नहीं बचा सके। सॉरी माँ जी, लेकिन आपका घर अब आपका नहीं रहा। इस दुनिया में चाहे वो इंसान हो या मकान हो, एक दिन मिट ही जाता है। नहीं मिटता है तो वो है प्यार, वो प्यार जो इस वक्त में अपने बेटों की आंखों में देख रही हूं। मेरे तीनों बेटे और उनका आपस में ये प्यार
एक मिसाल है। मैंने आज अपना घर खोया नहीं है, बल्कि अपना घर वापस पाया है। शेखर, इन कागज के पुर्जों में मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो वो है जहां मेरे तीनों बेटे खड़े हो जाएंगे, वही मेरा घर है। ये दुनिया के लिए तीन होंगे, मगर मेरे लिए ये एक है। ममता के तीन नाम, ओम, जय, जगदीश। मिस्टर सबरवाल, आप अपने घर के पेपर्स सरस्वती देवी से ले लीजिए। जब आप असली मालिक से पेपर्स दिलवाना चाहते हैं, तो मैं भी यही चाहूंगा कि असली खरीदारी पेपर्स ले। क्या मतलब? आप असली खरीदार नहीं हैं? जी नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी तरफ से बोली लगा रहा था। तो कौन है असली खरीदार? मिस्टर जगदीश बत्रा। लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहां से? मैं बताता हूं आप सबको। आई एम नारायण पिल्लई, सीईओ ऑफ सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मिस्टर जगदीश बत्रा ने कंप्यूटर हैकिंग को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ओम, और इनकी शर्त थी कि नीलामी में घर को पाने की जो कीमत होगी वही सॉफ्टवेयर की कीमत होगी। तो मिस्टर जगदीश बत्रा, ओम सॉफ्टवेयर हमारा हुआ, घर आपका। मुझे मालूम था एक दिन मेरा खोटा सिक्का जरूर काम आएगा। भैया, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक कहता था, प्यार की ताकत पैसे की ताकत से बड़ी होती है। आई लव यू तानिया। ओम भैया। हाँ? मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या कहते हैं? नीतू। सजी है हाथों में, हाथों में
फिर से बजी शहनाई है, मेहंदी रची है पैरों में, देखो खुशी घर आई है। Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again.